उठा के ले जाए, जेल में डाल दे। लेकिन आपको इतनी बड़ी समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं थी, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और किसने हिम्मत दी इनको? किसने हिम्मत दी इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि आपके मंच पे खड़े होके वो ऐसा कह दे कि उनको जानकारी ही नहीं है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरी शिकायत है आपसे, हिम्मत आपने दी है, हिम्मत आपने दी है, क्योंकि यहां बैठ के यहां खड़े होके वो हिंदू मुसलमान कर देंगे, वो जाति के आधार पर आपको बांट देंगे। निकल जाएगी नैया पार, हो जाएगी उनकी, वोट मिल जाएंगे, सत्ता में रहेंगे, आराम से 4-5 साल रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े विज्ञापन बनाएंगे, बोलेंगे जरूर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में हजारों लखपति बना दिए। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ जी, मैं गांव गांव में गई हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिखा, मुझे गरीबी दिख रही है, परेशानी दिख रही है। मुझे छोटे दुकानदार मिलते हैं, छोटे व्यापारी जिनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, जो फूल रहे थे, फल रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे, आज कहते कमाई नहीं हो रही है दीदी, कर्ज में डूब रहे हैं, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, बिजली की बड़ी बड़ी बिल आई, हम दे नहीं पा रहे हैं, हमें कर्ज लेना पड़ा। किसानों से मिलती हूँ, छुट्टे जानवर से तो परेशान ही है, लेकिन उपज का दाम भी नहीं मिलता। आजकल 1000-1200 रुपए में धान और गेहूं खरीदा जा रहा है, खाद नहीं मिलती। मैं ललितपुर गई, खाद की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो रही है किसानों की। मैं उनके घर जाती हूँ, उनके परिवारों से मिलती हूँ, मेरी बहनें वहां बैठी रहती है, कहती है क्या करेंगे दीदी, कमाने वाला तो चले गया। बारिश आई थी बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद बारिश आई थी, सालों नहीं बहुत समय बाद बारिश आई थी। उन्होंने सोचा कि इस बार खेती हो जाएगी, चले गए खाद लेने, सरकारी वितरण केंद्र बंद मिला, प्राइवेट में गए, इतनी बड़ी लाइन, उन्होंने छोड़ा, सोचा लाइन छोड़ दूंगा, घर चले जाऊंगा खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो मेरी लाइन छूट जाएगी, हो सकता है खाद नहीं मिले। 3 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे, मृत्यु हो गई वही लाइन में खड़े खड़े। कोई पूछने वाला है? कोई सुनवाई है? ये परिस्थितियां है आपकी। छोटे दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है। तो आप मेहनत किस लिए करते हैं? आप सुबह से शाम तक खेती में मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों की परवरिश के लिए। मेरी बहनें यहाँ हैं, आप चाहती है ना कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बड़े हो के कमाए, रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़े हो, अपना परिवार बनाए, आगे आपकी देखभाल करें। इसीलिए करते हैं ना परवरिश। कि आप परवरिश इसलिए करते हैं, मेहनत इसलिए करते हैं कि वो एक बोरा राशन जो सरकार आपको दे रही है और बड़ा आसान कर रही है, कह रही है आप पे, उस पर वो निर्भर हो जाए। आज सरकार मोटे तौर पे क्या कर रही है? कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितना सच है कि नहीं, लेकिन भाजपा के नेता कहते हैं कि अरे जनता हमें वोट देगी देगी, क्योंकि धर्म तो धर्म के आधार पर तो देना ही है, और फिर हम थोड़ा बहुत राशन पहुंचा देते, एक बोरा पहुंचा देते, खाते खुलवा दिए हैं, चुनाव से 4-6 महीने पहले हम थोड़ा सा पैसा डालना शुरू कर लेते हैं। प्रदेश में हजारों तो यहाँ खड़े हैं, कितने बेरोजगार हैं जरा हाथ उठाओ, हजारों यहाँ खड़े हैं, और 5 सालों से सत्ता में हो, सरकार चला रहे हो, तुम्हें दिखे नहीं? ये हालात है बहनों और भाइयों, सच्चाई को समझ लो। ये आपको गरीब रख रहे हैं जानबूझ के, इनकी नीति अमीरों के लिए है, ये चाहते हैं कि आपका पेट खाली रहे, ये चाहते हैं कि आपको रोजगार न मिले, ये चाहते हैं कि आप शिक्षित न बने, क्योंकि जब तक अशिक्षित रहोगे, जब तक रोजगार नहीं होगा, कमा नहीं पाओगे, तब तक गुस्सा रहेगा अंदर, और उस गुस्से का रोज रोज इस्तेमाल करते हैं ये, उस नाराजगी का, उस निराशा का, उस दुख का, कि इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं। जब नौजवान में ऐसा दुख होता है ना, तो उसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर फुसलाना बहुत आसान होता है, बहुत
बहुत आसान होता है। हम सब जानते हैं, सब माता पिता हैं, बेटा काम कर रहा है, बेटी काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, खुश है। जैसे ही घर पे बैठ के आलस पर दिखा रही है या दिखा रहा है तो दिमाग चल रहा है, और जब दिमाग इधर उधर चल रहे हैं तो बहुत आसान होता है जज्बातों का इस्तेमाल करना। तो ये नीति है इनकी, आपको गरीब रखना इनकी नीति है, ताकि इनकी राजनीति चले, ताकि इनकी धर्म पर आधारित, जाति पर आधारित राजनीति चले, ये सत्ता में रहे। इनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ किसी भी हालत में सत्ता में रहे। कोई भी झूठ बोल दे, कुछ भी कर ले, कितने भी विज्ञापन डाल दे, मीडिया को खरीद ले, सब कुछ खरीद ले, लेकिन एक ही मकसद है, और वो मकसद आपका विकास नहीं है। वो मकसद उनका खुद का विकास है, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने की, आगे सत्ता में आने की और सत्ता में रहने की। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आप समझिए। मुझे दुख होता है, दुख होता है ये देख के कि खास तौर से मेरे जो नौजवान साथी हैं, इन बातों में उलझ गए हैं, धर्म की बातों में, जाति की बातों में उलझ गए हो आप सब। और जब तक आपको उलझाया रखा जाएगा, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपका प्रदेश वही का वही उसी खाई में रहेगा जहां है। न किसानों के लिए कोई कुछ करेगा, न बहनों के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न छोटे व्यापारियों के लिए, ऐसा ही चलता चले जाएगा। अमीर अमीर होते चले जाएंगे, गरीब गरीब रहेंगे और गरीब होते जाएंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं और हमारी जो नीतियां हैं, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और जो हमारे नेता हैं, उन सबको हमने कहा है कि नकारात्मक बातें मत करो, जाके मंच पे किसी को नहीं सुनाओ, सिर्फ विकास की बात करो, सिर्फ ये बात करो कि क्या किया है, क्या करना चाहते हो और कैसे करोगे। अगर हम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार हम दिलवाएंगे, तो खोखली बात नहीं है। हमने पूरा खाका तैयार किया है नौजवानों के लिए कि कहां से आएंगे ये रोजगार। आपको पता होना चाहिए कि कोई नेता आके 50 लाख 70 लाख रोजगार आपको वचन दे दे कि आपको बना के देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से आएंगे।